Recording in progress. सभी लोगों को नमस्कार। क्लास फाइव क्लास तो लोग एक बात आएगा कि क्लास फाइव क्लास का मैथमेटिक्स क्या, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, आईसीएसई बोर्ड के हो या स्टेट लेवल बोर्ड के हो, तो सीबीएसई का सिलेबस होना क्या चाहिए, फाइव क्लास का सिलेबस होना क्या चाहिए, ये पहले सीखना जरूरी खेल खेलने मैथमेटिक्स को कैसे सीखेंगे, ये फाइव क्लास का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर सिखाएगा। टॉपिक का नाम है, गौर से देखिए टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम सुनिए समझिए, यहां देखिए टॉपिक का नाम है द फेस प्ले। क्या इससे क्या मैथ आप सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते बताइए, द फेस प्ले इसका मीनिंग क्या है, नहीं होगा है कुछ लो, यानी टॉपिक का नाम होगा मछली, कुछ नहीं मछली क्या हूं, आप तो मान के चलो कि तुमको हम गंगा किनारे ले गए हैं, तालाब किनारे ले गए हैं और वहां पर तुम फिर से देख रहे हो, या नहीं देख रहे हो। अब हम पहला चैप्टर को बताने का प्रयास करता हूं, तुमको हम पुराने समुद्र में ले गए, वहां समुद्र के किनारे देखोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मछलियां होगी, रंगीन ये वो कैसे हो, अरे विजुलाइज करो तुम देख रहे हो, विजुलाइजेशन करो कि तुम देख रहे हो, बोलो अरे रंगीन तो घर में भी बोलो मछलियां लगाते हैं ना, बोलो उसी को समुद्र बनाओ, बोलो यहां से आओ मछली के बारे में तुम लोग जानो, एक कहावत है मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाए, बाहर निकालो मर जाए, दो दिन रख दो सर जाए, बिल्ली आए खा जाए, बोलो यस या नो, बोलो ये तुमको तो मैं बताना चाहता हूं कि गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी नदियां रंगीन मछली को भी देखा हो, या गंगा हाइकु ने सबसे पहले सुनाया था आप अपने शरीर में मछली डालने की कहानी, फिर से एक बार सुनोगे क्या बताएंगे, इस बार मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, दो दिन रखो सर जाएगी, मिल जाके बोलो यस या नो। अब गौर से देखो, देखो 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 देखो, ये मछली सिर्फ तुमको विजुलाइज करो, बहुत सारे फिगर बन रहे हैं, देखो इसमें स्क्वायर बन रहे हैं, स्क्वायर बन रहे हैं, ट्रायंगल बन रहे हैं, गौर से देखो, गौर से देखो बन रहे हैं, अरे यहां देखो किताब बंद करो, गौर से देखो फिगर में, देखो गौर से ट्रायंगल पढ़ा है, स्क्वायर पढ़ा है ना, बोलो यार यहां पर ये ट्रायंगल कैसे बन रहा है, गौर से देखो ये मछली वाली जो पूछ है ना पूछ, बोलो यार बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलो यार बोलो ना,
अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी यहां पर आप देखेंगे कि स्क्वायर बन रहा है, रिक्टेंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, बोलो, और सर्कल भी बन रहा है, बोलो ना। और आगे चल के पढ़ोगे तो इसको हम पाराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारा, क्या बोलते हैं? ये वाले को इलिप्स बोलो, यहां हाइपरबोला। ठीक, फिर से बोलो, इसको क्या बोलते हैं? बोलो, स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, एलिप्स। पाराबोला, हाइपरबोला, बोलो यस या नो। इसको भिजवाई सुन, और कहां देखा, कहां देखा, कहां देखा, बताओ बताओ बताओ, तुम देखा हो, देखा हो, घर में सबसे पंप है, मोटर 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 जिसे पानी निकलता है, बोलो, उसकी पाइप लगा हुआ रहता है, उसको देखता है, या तो उसमें गोल ऐसे रहता है, निशान कहो कहो, देखोगे इस टाइप का होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है, बोलो ही, बोलो, हैं? मम्मी को सब्जी चलाते देखा, सब्जी चलाते, भेल क्यों चलाते, कैसे चलाते, हैं? कैसे चलाते इसका? वो कैसा रहता है? ऐसा रहता है, रहता है ना? बोलो, इसको तुमको करना है विजुलाइज, है ना? विजुलाइज करो, घर में क्या क्या देखा? नीचे करो जी, बार बार। यहां पर तुम्हारे पास करने आ गया, बोलो, वो दिखा, यानी तुम्हें इस पेज से ये शिक्षा मिलता है कि तुम्हें मछली के फिगर में क्या क्या आपका ज्योमेट्रिक फिगर दिख रहा है, देखने आ गया। चलते हैं पेज नंबर टू में। अब हम बात करेंगे पेज नंबर टू का। ये वाली बुक में हिंदी के पास है, ये वाली बुक में हिंदी के पास है। हम सब ठीक है सर, हम बाद में बात कर लेते हैं, काम छूट गया सर, हम क्लास में सर, क्लास में है जी, कहां से बोल रहे हैं सर, कैसा था, हम क्लास में सर, चलो बातचीत नहीं, अब तुम्हारे पास बहुत आपको देखेगा कि अपने कपड़ा पर एक विद्यार्थी द्वारा मैंने नहीं देखा है, मैं अभी पटना गया था, वो अपने नाम हाथ को लिखने वाला, समझे, हमने क्या अपने नाम में समझा, तो बोला नहीं सर, बहुत लोग को देखा कि लिखे हुए रहते थे अपने रेक पे, से बहुत अच्छा अपने टी शर्ट में, ये सब पे अपना फिगर बनाए हुए रहता है, बोलो यार, सुनो, मछली का डिजाइन, बोलो यार, बोलो भी, बनाए हुए रहता है कि रहता है, बोलो यार, सुनो, यहां मीन का अर्थ होता है मछली और मीनाक्षी लड़की का नाम, उसको यहां पर उसको क्या है कि उसको अब उसकी मछली की थोड़ी आंखों को देखो, आज तो देख करके सोचो
मछली का फिर साइज देखो, कुछ मछलियां छोटी होती है, कुछ फिश छोटी होती है और कोई फिश बहुत भी बड़ी। बोलो यहां से आओ, कोई मछली क्या होती है जल्दी बताओ? छोटी होती है। और कोई मछली क्या होती है? बड़ी होती है। तो अगर यहां पर देखोगे ये जो मछली है वेल साल, कौन सा है जल्दी बताओ? यह जो है 18 मीटर लॉन्ग है। कितना मीटर लॉन्ग है? कितना मीटर लॉन्ग है? कितना मीटर लॉन्ग है? और ये छोटी सी भी मछलियां देखो वह 1 सेंटीमीटर है ना। एक दिन तुम लोग को हम बताए कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, बोलो क्लास क्लियर। तो तुम लोग को यहां पर हम बताना चाहूंगा कि ये नंबर सिस्टम ये जानना पड़ेगा, यहां 10^0 को, 10^0 को क्या कहते हैं? यूनिट। 10^1 को क्या कहते हैं? देखा। बोलो देखा, बोलो देखा, बोलो देखा, 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 देखा। 10^2 को क्या बोलते हैं? हेक्टो। क्या बोलते हैं? हेक्टो। 10^3 को क्या बोलते हैं? किलो। 10^4 को क्या बोलते हैं? 10 किलो। 10^5 को क्या बोलते हैं? 100 किलो। 100 किलो। फिर 10^6 को क्या बोलते हैं? मेगा। क्या बोलते हैं? मेगा। 10^7 को क्या बोलेंगे? 10 मेगा। क्या बोलेंगे? 10^8 को क्या बोलेंगे? 100 मेगा। 100 मेगा। आ रहा है? नहीं आ रहा है? फिर कोई प्रश्न पूछूंगा, नहीं तो आप लोगों बहुत तकलीफ में कर दूंगा। समझ गया? क्योंकि इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है? 10^-1 होगा एसी। क्या होगा? 10^-2 होगा सेंटी। 10^-3 होगा मिली। बोलो। 10^-4 होगा 100 माइक्रो। 100 माइक्रो। 10^-5 होगा 10 माइक्रो। और 10^-6 होगा तो माइक्रो। समझ में आया? बोलो सर। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो पुनः लिख ले, क्योंकि आप कैसे 7th क्लास में चले गए, ये दुर्भाग्य है आपका कि आप कैसे चले गए। ठीक है, क्लियर है? यहां पर पहले 12 यूनिट के लिए लिखिए, लिखिए सब लोग अपने अपने कॉपी में। ये दुर्भाग्य को समझिए, 10^0 की वैल्यू 1, 10^1 को एका बोलते हैं, 10^2 को हेक्टो, 10^3 को किलो, 10^4 को 10 किलो, 10^5 को 100 किलो, 10^6 को मेगा, 10^7 को 10 मेगा, 10^8 को 100 मेगा और 10^9 को जीगा। इसी ढंग से 10^10 को 10 जीगा, 10^11 को 100 जीगा। जीगा तक इधर जानिए, अगर माइनस की हम बात करें, क्योंकि यहां पर चेंज करना सिखाएंगे, कंपेयर करना सिखाएंगे, ये चैप्टर से तुम लोग एडिशन करना सीखोगे, मल्टीप्लीकेशन सीखोगे,
भी जब सीखोगे बोलो यस या नो यस ये सब इस चैप्टर से सीखोगे यानी ये चैप्टर आज चलते रहेगा और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। तो देखा अब यहाँ पर 10 के पावर माइनस 1 को एसी 10 के पावर माइनस 2 को 17 10 के पावर माइनस 3 को मिली 10 के पावर माइनस 4 को 100 माइक्रो 10 के पावर माइनस 5 को 10 माइक्रो 10 के पावर माइनस 6 को माइक्रो 10 के पावर माइनस 7 को 100 नैनो 10 के पावर माइनस 8 को 10 नैनो और 10 के पावर माइनस 9 को 9 और 10 के पावर 9 तक खींचकर दिखा जा रहे हैं। जल्दी से नोट करें, जल्दी से आप लोग नोट करें। तो हम लोग कहानी सुनते रहेंगे, अपने आसपास के बहुत सा लोगों को देखोगे कि अपने कपड़ों में चित्र बना देते हैं, अपने दड़ी में ये समय मछली का डिजाइन दिख रहे हैं, जैसे सफेदी में यही बात को लिखा हुआ है लुक फिक्स डिजाइन अराउंड यू ऑन क्लॉथ पेंटिंग ऑन माय एडिशन बात करेगा तो बात फिर देखो वीन मीन्स फीस होता है, मीनाक्षी किसी गर्ल्स का नाम है, उसका जो आंख है वह फीस के आंख जैसा है। क्या वैसे व्यक्ति के बारे में सोचो, थिंकिंग करो, जिनकी आय फीस जैसा है। सोचो अपने परिवार में, सोचो देखो मम्मी को मौसी को या किसी भी परिवार के वैसे लोगों ने एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंख मछली जैसी है। ये पेंटिंग तुम लोग जानते हो क्या बना दोगे, मछली को अलग आकार की हो सकती है, सबसे छोटी सेंटीमीटर में और बड़ी से बड़ी मछली मीटर में हो सकती है। अब तुम्हारे बड़ी मछली और सबसे छोटी मछली कितनी पूरी लंबी है या मल्टीप्लाई करने के बारे में तुमको हम सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आओ बताते हैं, सबसे बड़ी मछली का नाम वेल शार्क है, वेल शार्क है, याद रखना। सबसे बड़ी मछली का नाम क्या है, सबसे बड़ी फिश का नाम क्या है, वेल शार्क। और ये तो आप देखोगे कि वास्तव में वेल नहीं बल्कि बहुत बड़ी मछली। वेल मछलियां अलग होती है, वेल हमारी तरह उसकी नाक सांस लेती है लेकिन मछलियां में नाक नहीं होती, पानी लेती है हवा नहीं। वेल बच्चों को जन्म देती है लेकिन मछली अंडे जन्म देती है, दोनों के बीच में अंतर बता रहे हैं। वेल मछली और फिश मछली में क्या अंतर है समझ आया, जो वेल मछली है उसको हम मछली के कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं क्योंकि उसका नेचर अलग है, समझ गया। मछली में नाक नहीं होना चाहिए, इसका नाक होता है, मछली को बच्चा जन्म नहीं देना चाहिए, बच्चा जन्म देता है, बाकी मछलियां जो है एक जन्म एक देता है, बात समझ में आया। तो यह बात यहाँ पर लिखा जाता है, यानी या अगर एक वेल 60 मछली को अगर हम बात करें तो 18 मीटर है, जरा सोच कि लगभग 12 बच्चे को एक ऊपर से एक ऊपर खड़ा कर दिया जाए तो लगाओ वजन कितना हो, 12 बच्चे के कुल वजन से बहुत ज्यादा उसका लगभग इसका जो वेट होता है, याद रखेंगे ये 16,000 केजी होता है, कितना होता है 16,000 केजी होता है, कितना होता है। अब देखो इस चैप्टर में नोट कर लिया सब, नोट नहीं गया आपका, नोट हो गया है, अच्छा चलिए उनके कॉपी से सब लोग नोट कर लेंगे क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे बात सिखाना है, स्पीड अपना बढ़ाए क्योंकि ये क्रिएटर सुपर 30 है, बाद में उनसे कॉपी से सब लोग नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब हम लोग इसको यह चैप्टर में क्या पढ़ना है, इस पेज में क्या जानकारी, ओ सॉरी
क्या जानकारी देना है पता है। यहां पर देखो तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, एक वेल मछली 16,000 केजी का है। कितना का है जल्दी बताओ, कितना? 16,000 केजी। चलिए आपका नाम क्या है मैं जल्दी बताऊं, आराध्य बाबू आपका वेट क्या है, वजन क्या है? 26। वेरी गुड। आपका नाम? जाओ जी आपका वेट क्या है? 23। चलिए आपका वजन नहीं करवाए, इसको ऐसा करते हैं कि जो हाई क्लास का जो बच्चे होना चाहिए वह 25 केजी का होना चाहिए। क्लास जितना केजी का होना चाहिए बोलो। अब सोचो ये 25 केजी है और ये 16,000 केजी, तो तुम्हारा जैसा कितना स्टूडेंट हमें जुगाड़ करना होगा कि दोनों बराबर हो जाए बोलो। तो क्या कहोगे कि सर एक जो है 25 के अगर चार मिलेंगे तो क्या हो जाएगा 100 के बोलो। यस यार बोलो। और 400 अगर हो गए या 16 यानी यहां पर तुम्हारे पास 25 से इसको डिवाइड कर देते हैं बोलो यस सर। तो 25 को 16,000 को डिवाइड कर दिया, डिवाइड सबको आता है, 6 बार में लगा 150 हो गया, 4 बार में लगा ठीक बोलो यस या नो। अब एक जीरो बच गया ना, तो जीरो यहां पर हो जाएगा बोलो यस या नो। यानी वेल शार्क को कंपेयर करने के लिए इधर वेल मछली रहे तो इधर कितना स्टूडेंट होना चाहिए जल्दी बताओ, 640 स्टूडेंट होगा तो वजन दोनों का सेम होगा बोलो यस सर। यहां पर देखोगे कि छोटी मछलियां जो है क्या छोटी बोलो, छोटी मछलियां 1 सेंटीमीटर का, कितना सेंटीमीटर का जल्दी बताओ, रेड पेन कर देते हैं, ये 1 सेंटीमीटर का एक मछली और इसका कितना है 18 मीटर है बोलो यार। यस सर। और तुम जानते हो कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, 18 मीटर में कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 1800 सेंटीमीटर। यार ये किससे इससे कितना मल्टीपल है पता है, यानी एक छोटी सी मछली जो 1 सेंटीमीटर का है ऐसा ऐसा 1800 कितना 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 फीस ऐसे 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 होगा बोलो यस या नो। तब वेल शार्क मछली के लंबाई यानी लेंथ में बड़ा बोलो यस या नो। सेकंड पेज से क्या क्या सीखे समझ में आया बोलो यस सर। नहीं आया आ गया है बोलो भाई यस सर। अब तुम्हारे पास इसी पर मैं क्वेश्चन देखो अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम जो है बोलो यस सर। ये क्वेश्चन तो अपने आप का वेट करना पता है नहीं करता बोलो यार। जैसे हमारा अध्याय 26 के लिए था
आप बताइए। अब मेरा 42 है। आप बताइए, पूछो तो दिए। लेकिन आपको जानिए, आप लोग तीन चार नहीं बनाइएगा, हमारा वजन 120 केजी है, पता ही नहीं। यानी आराध्या बाद ऐसा जैसा अगर चार सर्जन को मिल गया तो हम हिलने वाले नहीं। बोलो यस या नो। लेकिन बात रहा वेद मछली से, वेद साग से, तो भैया हमारा मित्र है, वेट मशीन पर चलता तो बोलता है कितना, एक बार दो आदमी ना चाहिए, कृपया एक बार दो आदमी ये वेट मशीन वाला होता है तो टिकट देता है, बोलता भी है, उसने उचहारता है तो बोलता है कि कृपया एक बार में दो आदमी ना चाहिए, यानी उसका वेट कितना है जो दो आदमी के बराबर है। तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर तुम्हारे तरफ 100 अरे हमारा हटा दो तुम्हारा हिल जाएगा, एक का मानो 25 केजी, बोलो यस या नो। ऐसा ऐसा 12 हो गया, कितना हो गया 12 5 16 और यहाँ पर 24 30 यानी 300 केजी हो जाएगा, बोलो यस या नो। करने आ रहा है और 12 बच्चे का तुम्हारा जो टीम है, सुपर 12 का जो टीम है, उसको कितना टीम को लेना पड़ेगा, तो चूंकि वेल शार्क मछली 16,000 केजी का था, यानी 300 से 16,000 को डिवाइड करेंगे, बोलो यस या नो। यानी 3 5 50 10 हो गया, 3 3 9 1 आ गया, यानी वैसा वैसा ग्रुप बनाना पड़ेगा, 53 ग्रुप, तब उसका कंपेयर होगा, बोलो यस या नो। चलो चलते अब देखो लिखा हुआ है द फिश के, बताओ मछली का कुछ देखा है कि नहीं, बोलो देखा है नहीं देखा, तो एक बार बताओ कि दोनों में क्या अंतर है, जो वेब साइड का जो मछली है पीछे वाला पेज में देखो, इसका देखो यहां पर ये ऐसे है, बोलो यस या नो। इस पेज में आ जाओ तो दोनों के वेव और मछली में अंतर देखने से पूछो ध्यान से, जो वेव वाला मछली होता है ना ध्यान दो, इसमें देखो ये आयो ऐसे सीधा भी वर्टिकल भी है और इसमें जो है सीधे सीधे है, बोलो अंतर है कि नहीं, नहीं आया, बोलो भाई पहचान सकते हो कि नहीं दोनों के पैर में अंतर, बोलो नहीं सीखा जी। ये देखो ये तीर है, ये भी तीर यहाँ पर है, यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे सब लोग को आ रहा समझ में, अब चलते हैं इसको आप देखे होंगे, आप गए होंगे घूम रहे होंगे, आदमी कभी जैविक विज्ञान होता है तो खुश होता है, वहां पर देखो एक सांप का घर होता है, एक फिश का भी घर होता है जिसे मछली घर होता है, और आपको यहां पर बोलना है अ स्कूल ऑफ फिश, क्या बोला है दोस्तों, स्कूल ऑफ फिश। अब वहां पर तुम देखोगे कि बहुत सारे मछलियां समुद्र के किनारे तालाब के किनारे बैठोगे और आप उसका खाने वाला स्थान दे दोगे, बहुत टाइप टाइप का चीज तुमको दिखेगा, बोलो या सियानो। अगली पारी में अब यहां पर तुम देखो कि बड़ी मछलियां डाली के लिए क्या करता, देखो मैं तुम्हारे मम्मी पापा
जल्दी शेयर करो, जल्दी शेयर करो, जल्दी हाइट बोर्ड ओपन कीजिए। हाँ जल्दी उसका ऐसी करो, अगला सेव कर दो, लाइन कट गया था, जल्दी इसको जल्दी जल्दी बनाओ, होस्ट बनाओ जल्दी, तब कंप्लीट कर देना है। आज तो बोलना है ये है, इसे भी थोड़ा आगे से तो फैक्टर भी आएगा इधर, क्योंकि जो आपको जो फ्लाइट क्लास में ना रिलाइज करना, जैसे फैन है देखो, इसे फैक्टर बन सकता है, निमंत्रण निमंत्रण करेंगे ना, ऐसे भी जोड़ने का ट्रेंड है, वो तीन बोल रहे हैं जो निशान से उनको रिलाइज करना है, मछली खाते रहना है और उसको करना है, मछली के मस्ती खाना है उससे करना है, तो ये तुम लोग को रिलाइज करते रहना है। रास्ते को हम आ रहे हैं, रास्ते को हम नहीं होगा, रास्ते को चलिए देखते हैं यहां पर, अब फिर से एक बार महाभारत को रन करवाएं। और सब लोग ने अच्छे ढंग से समझ रहे थे, इसी बीच में लाइन सर स्क्रीन शेयर करिए, स्क्रीन शेयर कर देता हूं, जैसा आदेश आप लोग का है वैसा पालन करता हूं, और स्क्रीन शेयर के लिए बोलना पड़ रहा है, अब रुकिए मिल जाएगा, अब व्हाइट बोर्ड पहले, अरे भाई उपेदो गायब हो गया, उपेदो लाना पड़ेगा, आप पहले चलिए स्क्रीन से रिकॉर्डिंग स्टार्ट है क्या? ठीक है, अलाउ है, हेलो आवाज जा रहा है, आवाज आ रहा है,
फोन ही नहीं भाई, सब फोन में पड़ा ही रहता है। करो होश बने हैं। अच्छा अच्छा हमारा पेजवे गायब हो गया है, ढूंढते हैं। ए कहाँ है वो सेव हो गया, पेजवा कहाँ गया, इन महका चलिए बातचीत करने का समय नहीं है। रेडी हो जाइए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए। ठीक है क्योंकि समय थोड़ी कम है और लाइन वाला भी थोड़ा सा अपने आप को वो भी कह रहा है कि मैं ही हूं। तो ठीक है आप भी हैं भैया, तो हम भी हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। क्या दिक्कत हो रहा है रिकॉर्डिंग स्टार्ट में?